हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने विटामिन ई के बारे में कई बार सुना होगा। कई फलों, तेलों और ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई पाया जाता है और यह सेहत के साथ साथ आपके स्किन और हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आज हम विटामिन ई कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। ये है विटामिन ई कैप्सूल। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। यह आपको ईवीओन 400 के नाम से मिलेगा और इसकी जो प्राइस की बात करें तो यह है 29 रुपीज़ का। 29 रुपीज़ में आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं और ये इस तरह के ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। कई स्किन केयर क्रीम्स और लोशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशली इसे एंटी एजिंग क्रीम में यूज़ किया जाता है। विटामिन ई का यूज़ हम हेयर और अपने स्किन के लिए इजीली कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर अगर आप इसे खाना चाहते हैं और तो इसे आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे ज़्यादा खा लेने से आपके शरीर में ये जमा होने लगता है और फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले आप हमेशा एलर्जी टेस्ट ज़रूर कर लें। इस ऑयल को आप अपने गले में एक जगह पर लगा लें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह तक अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई को आप अपनी नाइट क्रीम में मिक्स कर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और विटामिन ई ऑयल को मिक्स कर आप अपनी नाइट क्रीम बना सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए भी आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ऑलमंड ऑयल और विटामिन ई ऑयल की कुछ ड्रॉप्स को मिक्स कीजिए और इसे आप रात को अपने अंडर आई के नीचे लगा सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। आप चाहें तो इसे अपने आई लैशेस पे भी लगा सकते हैं। विटामिन ई ऑयल को आप अपने रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स कर अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी हेयर पैक में भी यूज़ करके अपने हेयर्स में लगा सकते हैं। इससे आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इस ऑयल को अपनी क्रीम में मिक्स कर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चर मिलेगा। इसे आप अपने नेल्स पर यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसे अपने नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी नेल्स में शाइन आएगी और वो ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। विटामिन ई ऑयल को आप अपने लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी स्क्रबर में विटामिन ई ऑयल की कुछ बूंदें डालकर अपने लिप्स को स्क्रब कीजिए। उससे आपकी लिप्स की डेड स्किन भी निकलेगी और आपकी लिप्स पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने लिप बाम में भी विटामिन ई ऑयल को मिक्स करके लिप पर यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल को आप अपने फेस पर, काले धब्बों पर यूज़ कर सकते हैं। आप विटामिन ई ऑयल को नींबू के रस में मिलाकर अपने धब्बों पर लगाइए। इससे आपकी स्किन भी लाइट होगी और काले धब्बे भी आपके धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क का प्रॉब्लम है तो आप इसे कोकोनट ऑयल में मिक्स कर अच्छे से मसाज कीजिए। धीरे धीरे आपके स्ट्रेच मार्क चले जाएंगे। विटामिन ई ऑयल की कुछ बूंदें आप अपने सनस्क्रीन में मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन सन से डैमेज नहीं होगी। विटामिन ई ऑयल को आप अपनी फटी एड़ियों पर डायरेक्टली मसाज कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। विटामिन ई ऑयल को आप अपनी डेली स्किन रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।